हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे कि अगर आपका ड्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और स्पिन काम नहीं कर रहा है, तो आप आसानी से कैसे इसको तुरंत ठीक करें। मैं अभी आपको दिखा के स्पष्ट बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ ड्रेन सेट से आपको एक थ्रेड लगा होता है। ये क्या होता है, इसको ऊपर खींचने से, जैसे देखिएगा, यहाँ जैसे इसे ऊपर मैं खींचूँगा, ठीक है, तो यहाँ का होल ओपन होगा और यहाँ से जितना भी टब में पानी जमा हुआ है ये रिलीज हो जाएगा, यानी बाहर चला जाएगा। ठीक है, ड्रायर से भी पानी सब आके यहाँ जमा होगा, इसको जैसे मैं ऊपर करूँगा ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चूहा क्या होता है, कभी कभी चूहा काट देता है इस थ्रेड को। चूहा काट देने के कारण जो आपका नॉब है, नॉब से कनेक्ट नहीं होता, जब नॉब से आप घुमाएंगे तो ये ऊपर जाएगा तो रिलीज होगा, लेकिन नॉब क्या होता है, यहाँ से कनेक्ट हो जाए नॉब और इसका संपर्क टूट गया, जिस कारण क्या हो रहा है कि ये ड्रेन काम नहीं कर रहा है। दूसरा, आपका ड्रायर जो है, ड्रायर का भी जो है, ये देखिए ये ब्रेक आ जाता है, ठीक है ना, ये ऊपर खींचने से ब्रेक रिलीज होता जाता है और छोड़ देने से ब्रेक लग जाता है, तो ये गेट में लगा होता है। ड्रायर का जो गेट है उससे कनेक्ट होता है, जैसे मैं गेट खोलूंगा तो ये क्या होता है, ये ब्रेक लग जाता है। जैसे मैं गेट बंद करूंगा तो ये क्या होता है, ब्रेक रिलीज होता है। जब ब्रेक रिलीज हो जाएगा तो मोटर घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अभी बताता हूँ कि इसको कैसे रिप्लेस करना है। एक स्क्रू आपको यहाँ से और एक स्क्रू यहाँ, बस दो स्क्रू रिमूव करना है, उसके बाद इसको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लगा हुआ है तो आपको ऐसे ऊपर से ऐसे लगाना है। दूसरा, मार्केट से आप जाके ला सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, अब इसको भी आप यहाँ से नीचे गिरा दीजिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए, देखिए चूहा अलग अलग तरीके से अलग अलग कट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, इसे भी आप ठीक है, ये जो मैं अभी हाथ पे पकड़ा हूँ ये आपका ड्रेन के लिए। ठीक है, अब बस देखिए इसको वापस आपको ऐसे ही, देखिए ये जब मैं नॉब जो है, नॉब जब मैं ऊपर कर रहा हूँ ड्रेन वाला, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया, अब नीचे आया, अब मुझे इसको यहाँ लगाना है। ठीक है, यहाँ मैं जब लगाऊँगा, ठीक है, तो आप गौर करेंगे ये थोड़ा सा बड़ा है, ये जो मैंने जो थ्रेड लिया है ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक है, अब छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे दो गांठ आप लगा दीजिए, एक, कभी कभी क्या होता है साइज परफेक्ट नहीं होने के कारण इस तरह का दिक्कत आता है। चलिए, बिल्कुल सही है, ठीक है, थोड़ा टाइट ही रखना है आपको, लूज नहीं रखना है। ठीक है, ऐसे फंसा देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे नॉब ओपन कर रहा हूँ, देखिए हो गया, ड्रेन हो गया, पानी बाहर चला जाएगा इस तरह। अब मैं यहाँ से ऑफ करूँगा। ठीक है, चलिए आपको मैं ऊपर से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, एक साथ देखिए आप नॉब और वो दोनों एक साथ देख पाए। ठीक है, ठीक है, देखिए हो गया ड्रेन क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आपको ये लगाना है यहाँ पे, देखिए ये भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों लगभग लगभग यहाँ लाना है आपको। ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे, परफेक्ट साइज नहीं मिलता, मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग ही साइज मिल पाता है। ठीक है, तो बस ये अच्छा उपाय से कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि गांठ लगाने से ये गड़बड़ होगा या फिर टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी और गांठ की जरूरत है। ठीक है, टाइट कर देना आप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपको क्या करना है, इसे बाहर निकालना है और इसे ऐसे घुमाते हुए बाहर निकाल देना है, फिर वापस इसे
ठीक है। देखिए आपको उस पोजीशन में, जैसे मैं अभी ड्रायर का जो है गेट खोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे है, मैं ड्रायर का गेट खोल रहा हूँ, ठीक है। बंद करने से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जब खोल रहा हूँ थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, मतलब खोल देने से ये नीचे आ जा रहा है, बंद करने से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है। गौर कर पा रहे हैं, मैं इसे खुला पोजिशन पर रख के तब इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, यानी एक गांठ और लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर आया, ठीक है। यानी ब्रेक रिलीज हो गया, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, नीचे गया, इसका मतलब ब्रेक लग गया, ठीक है। जब मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लगा, थोड़ा सा ऊपर आया, इसका मतलब ऊपर आने से क्या होता है, ब्रेक रिलीज हो गया, अब आपका ड्रायर घूम पाएगा। अगर आपको आप ड्रायर चला के देखिए नहीं घूमेगा, तो आप थोड़ा सा इसको और एक गांठ लगा के टाइट कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, ये जो है इसको एक नीचे कर दीजिए, ठीक है। नीचे करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस गेट खोल के आपको ये काम करना है, ताकि गेट खुला पोजीशन में लॉक रहे, ठीक है। गेट खुले पोजीशन में आपका जो ड्रायर का ब्रेक जो है वो लगा हुआ रहे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको मैं घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये काफ़ी मुश्किल से थोड़ा सा घूम रहा है, ठीक है। वही मैं अभी गेट बंद कर रहा हूँ, ठीक है, गेट मैंने बंद कर दिया। अब देखिए ये आसानी से घूम पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए चाहे मैं यहाँ पे आपको ऐसे से करता हूँ, देखिए मैंने इसको अभी, रुक जाइए, तेज़ी से घुमा दिया, ठीक है। अब गेट खोल जा रहा हूँ, देखिए गेट खोलते ही रुक गया। आशा करता हूँ दोस्तों, जैसे देखिए फिर एक बार देखिए, आप फिर एक बार देखिए, देखिए मैं अब गेट को बंद कर दिया, ठीक है, हो गया। अब मैं गेट खोल रहा हूँ, देखिए गेट खोलते ही ब्रेक लग जा रहा है, इसका मतलब आपका परफेक्ट काम कर रहा है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है, देखिए एक दो एक तीन, तीन होल देता है, थोड़ा मतलब आपको एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दोस्तों सही से स्क्रू लगा के उसके बाद से बैक पैनल को भी अच्छे से बंद कर देना है, और आप चाहें तो इसमें फिनाइल की गोली डाल सकते हैं, ताकि चूहा अंदर जाके तार को कट ना करे, और जो भी कटा हुआ तार है वहाँ टेपिंग जरूर कर दें। ये तार बॉडी के अर्थ के लिए है, यहाँ पे भी टेपिंग कर दिया अच्छा रहेगा। और कभी भी चूहा तार काटता है तो आपको जो कलर मानते हैं यहाँ काटेगा, व्हाइट काटा है तो व्हाइट को व्हाइट में जोड़ दीजिए, रेड काटा है तो रेड को रेड में जोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है, सेम कलर वाले तार को जोड़ देना आपको, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर और भी कोई प्रॉब्लम पे वीडियो चाहिए वाशिंग मशीन, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के जरूरी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वाशिंग मशीन की फुल वायरिंग पे वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।